आज के इस वीडियो में हम किसी भी अर्निंग एप्लीकेशन की बात नहीं करने वाले, मतलब कि कोई छोटी मोटी अर्निंग या फिर छोटे छोटे टास्क करके पॉइंट्स में अर्निंग की बात नहीं होने वाली, बल्कि एक ऐसे आसान ऑनलाइन वर्क की बात होने वाली है जिसको आप 10 मिनट में करके $10 अपने अकाउंट में लेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। चाहे वो JazzCash है, इजी पैसा है, बैंक अकाउंट है, पेपाल है या फिर इसके अलावा कोई और अकाउंट है, विड्रा की कोई भी लिमिट नहीं है। आप बूढ़े हैं, आप जवान हैं, आप बच्चे हैं, आप पढ़े हैं, आप अनपढ़ हैं, ये सारा मैटर नहीं करता। और स्पेशली मेरी वो ऑडियंस जो कि हार्डहर आम है और मुझसे आके इंस्टा पे व्हाट्सएप पे कॉल्स कर करके मुझे तंग कर देते हैं कि बहन हमें कोई आसान काम बता दो, ये सब उन लोगों के लिए काम है। हमेशा की तरह इस चीज़ को मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेके जाऊंगी, क्लैरिफिकेशन के साथ साथ काम सिखाऊंगी भी, और इसके अलावा आपको बताऊंगी कि ये काम आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म नहीं, बेशुमार रस्ते हैं, बेशुमार कंपनीज हैं जो कि आपको ये काम प्रोवाइड करती हैं। आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। $10 तो कुछ भी नहीं है, आप यहां से ऑन द एवरेज डेली बेस पे $200, $300 भी कमा सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखना, बहन आपको बिल्कुल भी लालच में नहीं लेके आ रही, ना ही आपको कहते ना कि बड़े बड़े सपने ख्वाब दिखा रही है। हमेशा स्टार्टिंग जीरो से ही होती है, जीरो से स्टार्ट करके आप हीरो बन सकते हैं। इस काम में इतना पोटेंशियल है कि ये काम ख़त्म नहीं होगा, आप ख़त्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को ही क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि आपको समझ लगे कि भाई आप हर वो काम कर सकते हैं जो कि आप इंटरेस्ट रखते हैं, जिसको आप ठान लें वो हो जाएगा। जहाँ पे आके आप खुद को ही समझे कि भाई ये काम हमसे नहीं होगा, तो वहाँ पे कोई भी बंदा आपको कुछ भी नहीं करवा सकता, ठीक है। वहाँ पे ना दुआएं काम करेंगी आपके पेरेंट्स की कि अल्लाह हाड़े बच्चियाँ नू हदायत दे, ठीक है, वो भी नहीं आएगी हदायत। और ना ही यूट्यूबर्स की वीडियोस काम करेंगी, ना ही हमारी दिन रात की मेहनत कोशिश जो हम आपको पेश करते हैं छोटी सी वीडियो के अंदर, वो भी रंग नहीं लेके आएगी। तो सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन से कि YouTube के ऊपर इस वक्त चैनल कितने हैं जो आज तक बन चुके हैं। बल्कि Google से ही हम इस चीज़ का आंसर पूछते हैं तो Google हमें बता रहा है कि अभी तक पूरे YouTube के पूरी दुनिया में जितने चैनल्स बन चुके हैं उनकी तादाद है 114 मिलियन, ठीक है। अब 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। अब मल्टीप्लाई करके बताएं कि ये कितने लाख बनते हैं। आप सोचते होंगे कि पता नहीं बहन हमें मशवरा देने लगी है कि मेरी तरह यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाओ। बिल्कुल भी नहीं, हम छोड़ देते हैं जो टोटल चैनल्स को, सिर्फ बात करते हैं 2024 में बनने वाले यूट्यूब चैनल्स की, क्योंकि हम 2024 में मेथड की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें गूगल दे रहा है कि 2024 में पूरी दुनिया में 2.7 मिलियन नहीं बल्कि बिलियन चैनल्स बने हैं, ठीक है। अब इसका क्या मकसद है इस क्वेश्चन को करने का? इस क्वेश्चन को करने का मकसद ये है, अब फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब चैनल बनता है, मेरा चैनल ही ले लें, उसके ऊपर कोई 300-400 वीडियोस मौजूद हैं, हर वीडियो के ऊपर थंबनेल लगता है, ठीक है, और वो थंबनेल कोई बनाता है तो लगता है, चाहे वो यूट्यूबर खुद बनाए चाहे किसी से बनवाए, यूट्यूब के ऊपर जितने भी वीडियोस हैं उनके ऊपर थंबनेल लगते हैं। इनको बनाने के भी बड़े तरीके हैं, आसान रास्ते भी हैं, मुश्किल भी हैं। इवन के आप बना बनाया काम उठा के सिर्फ अपनी पिक्चर लगाएं, टेक्स्ट को चेंज करें और उसको आप फॉरवर्ड करके खुद भी अपना काम निकाल सकते हैं, जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी इसको कर सकती हूँ। और दूसरी साइड पे मैं इसी छोटी सी स्किल को सेल करके लाइफ टाइम अर्निंग कर सकती हूँ। ना यूट्यूबर ख़त्म होने वाले हैं, ना यूट्यूब चैनल ख़त्म होने वाले हैं, बल्कि आने वाला सारा दौर ही डिजिटल दौर है। अब यहाँ पर देखें जी, आपको मैं फाइवर पर लेके आई हूँ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझाने के लिए कि भाई हर चीज़ में पोटेंशियल है। अपने आप पे इत्तमाद ना होने की वजह से आप जो कुछ कर भी सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। अब यहाँ पे देखें जी, फाइबर के ऊपर सिर्फ एक आपका एक्सक्यूज़ होता है कि यहाँ पे ऑर्डर नहीं मिलते, हमने फाइबर पे काम नहीं करना, नहीं मर्जी तो नहीं करेंगे। आपको ऐसे तरीके बता के जाऊंगी इस वीडियो में जहां से आप फाइबर के अलावा भी अच्छी खासी अर्निंग निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ YouTube के थंबनेल कॉपी एंड पेस्ट करके। यहाँ पे देखें जी, मैंने फर्स्ट वाली गिग ओपन की है और यहाँ पे देखें इस बंदे के पास 15 ऑर्डर अभी लाइव मौजूद हैं जो कि अभी स्टिल इसके पास आए हुए हैं। 10,331 इसने ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं, एक ऑर्डर ये करके दे रहा है जी 8,775 रुपये का। एक दिन में इसने एक थंबनेल डिलीवर करना होता है, यहाँ पे देखें टाइम भी मैंशन है। अब आप खुद मल्टीप्लाई करें 15 को 8,775 के साथ, कितने पैसे एक दिन के बनते हैं। ये बंदा अगर सिर्फ एक थंबनेल के 8,775 ले रहा है तो इसको लोग काम दे भी रहे हैं, ठीक है। बात आती है क्वालिटी कंटेंट की, फाइबर में हमेशा इसलिए सुजेस्ट करती हूँ क्योंकि वहाँ पे हमें वो काम जो आम रूटीन में 10 रुपये में बिकता है, यहाँ पे 1,000 में भी सेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे USA के लोग भी होते हैं, UK के भी, यूरोपियन कंट्रीज़ के होते हैं जिनके लिए डॉलर्स मायने नहीं रखते, लेकिन PKR में वो अमाउंट अच्छी खासी बन जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम मज़ीद लोगों को चेक करेंगे। इस बंदे के पास भी 2 ऑर्डर मौजूद हैं और ये 1,463 रुपये का
थंबनेल दे रहा है अपनी मर्जी के साथ। यहाँ पे देखें जी, इस बंदे के पास 43 ऑर्डर क्यू में मौजूद हैं, एक ऑर्डर ये करके दे रहा है 1463 रुपए का। 43 ऑर्डर इस बंदे ने एक दिन में पूरे करने हैं। जरा मल्टीप्लाई करके देखें भाई, 43 को 1500 के साथ, 1400 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, इतनी ज्यादा अमाउंट ये एक दिन में सिर्फ और सिर्फ थंबनेल डिजाइन करने से कमा रहा है। अब ये जो थंबनेल आपको इसके नजर आ रहे हैं ना, यकीन करिए सारे के सारे बने बनाए थंबनेल हैं। इनको उठा के सिर्फ पिक्चर चेंज की गई है, टेक्स्ट चेंज किया गया है। अभी मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। सिर्फ यही नहीं, आप यहाँ पे आए फाइबर पे, जरा थोड़ा सा टाइम दें, यहाँ पे आके लोगों की गिग्स ओपन करें और देखें यहाँ पे ऑर्डर्स की तादाद। 26 ऑर्डर इस बंदे के पास भी हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उसको छोड़ दें और प्राइस चेक करें एक थंबनेल की। ये ले रहा है 4388 रुपए और इसको भी 26 लोगों ने ऑर्डर दिए हुए हैं। ठीक है, पाकिस्तान इतना पे नहीं करते, लेकिन जो दूसरे लोग हैं दूसरे कंट्री से वो पे करते हैं। मैं अब जाऊंगी पांचवें पेज के ऊपर और यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि क्या पांचवें पेज के ऊपर भी लोगों के पास ऑर्डर्स मौजूद हैं या नहीं। अब यहाँ पे देखें, इसने 201 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, 153, इसी तरह से देखें 37, मतलब कि पांचवें पेज के ऊपर भी लोगों ने ऑर्डर्स लिए हुए हैं अच्छे खासे वाले। ठीक है, ये देखिए आपके सामने है, कोई एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसका जीरो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पांचवें पेज के ऊपर भी ऑब्वियसली लोगों के पास ऑर्डर मौजूद हैं, एक ऑर्डर इसके पास भी है। सिर्फ और सिर्फ इसने एक दिन का 10 मिनट के अंदर 2925 रुपए अर्न कर लिए हैं। ठीक है, ये एक ऑर्डर नजर आ रहा है ना, तो यही काम है भाई। स्टार्ट आप $5-10 से करके डेली बेस के आप $200 भी कमा सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमने चीज़ें समझी हैं, अब उसके बाद बात आती है कि सेम बने बनाए थंबनेल हमें कहाँ से मिलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे फाइवर के ऊपर आपको ये थंबनेल लगा नजर आ रहा है, सेम एज इट इज़ आपको ऐसा ही थंबनेल मिलता है कैनवा के ऊपर। ये देखें, इसमें जस्ट पिक्चर चेंज की गई है, इसको अपलोड किया गया है और यहाँ पर देखें सेम एज इट इज़, कोई चेंज है इसमें। अब ये चीज़ें मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ जी, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाके इसको समझिएगा काम को, उसके बाद ये चीज़ समझिएगा कि ये काम हमें कहाँ से मिलेगा, लोग कहाँ से मिलेंगे जो हमसे ये काम करवाएंगे, और स्पेशली वो लोग जो हमें ज़्यादा पे करें। ठीक है, अगर आप पाकिस्तानियों के पास जाएंगे या फिर आप छोटे यूट्यूबर के पास जाएंगे तो वो ऑब्वियसली 180-150 तक मैक्सिमम आपको एक थंबनेल का देंगे। तो हमने स्मार्ट वर्किंग के साथ साथ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा रास्ता तलाश करना है जहाँ से हमें हमारी मेहनत का ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँगी जी कैनवा के ऊपर। जिन लोगों की कंट्रीज़ में कैनवा पेड है या फिर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उनको मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगी जहाँ से वो थंबनेल को आसान वे में कस्टमाइज करके वहाँ से अर्निंग कर सकेंगे। सर्च बार में आके हम यहाँ पे सर्च करेंगे फ्री यूट्यूब थंबनेल। सर्च करते ही हमारे सामने यहाँ पे देखें जी बहुत सारे टेम्पलेट आ चुके हैं जिनके ऊपर प्रो लिखा हुआ है या फिर डॉलर का निशान लगा हुआ है। उनको छोड़ के उसके अलावा हम कोई भी यहाँ से उठा के उसको एडिट करके वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमें टॉप के ऊपर नज़र आ रहा है, हमने अपने क्लाइंट से टेक्स्ट भी ले लेना है, पिक्चर भी ले लेनी है। अब कोई भी थंबनेल जो हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, हम टेम्पलेट को ढूंढेंगे, उसके बाद उसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखें जी, जो भी टेम्पलेट है इसका एक एक जो पार्ट है वो यहाँ पे चेंज हम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पिक्चर है इसको मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, नीचे यहाँ पे रिप्लेस वाला बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें अपलोड वाला बटन नज़र आ रहा है, यहाँ से हम अपनी गैलरी से नई पिक्चर को अपलोड कर लेंगे। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, उसके बाद ये पिक्चर ये देखें इस जगह पर आके ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगी। अब यहाँ पर इस पिक्चर में आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं ईजिली जाके गूगल के ऊपर remove.bg वेबसाइट से। ठीक है, हम इसको यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। सिंपली यहाँ पे देखिए मैं सबसे ऊपर वाले टेक्स्ट को क्लिक करती हूँ, इसी के ऊपर डबल क्लिक करके ये एडिट हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगी जी मेक, यहाँ पे मैं लिखूंगी जी $10 और यहाँ पे मैं करती हूँ जी क्लिक करके इसको एडिट और यहाँ पे लिख देती हूँ डेली वाला। ठीक है, अब आपका क्लाइंट आपको खुद टेक्स्ट बताने वाला है, खुद आपको पिक्चर देने वाला है। यहाँ पर देखिए मैंने जस्ट इतना सा चेंज किया, उसका फर्दर इस टेम्पलेट का बैकग्राउंड कलर अगर हमने चेंज करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करें और यहाँ से हम अपनी मर्जी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे देखें एक एक क्लिक में ये कलर चेंज हो रहा है, मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सेम ओके करूँगी, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वाला बटन है, यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, ये हमारी गैलरी में चला जाएगा। अब देखें इतना सा काम करके, मतलब आपने बेसिक सीखनी है, उसके बाद आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अब वो लोग जिनके कंट्री में कैनवा काम नहीं करता वो गूगल पे आ जाएंगे, गूगल पे आके सेम एज इट इज लिखेंगे, कैसे ही वो इस चीज को सर्च करेंगे जी उनके सामने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी जो कि फ्री में ऐसे टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रही हैं, लाइक कैनवा है, फ्री पिक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ना सिर्फ कैनवा के ऊपर बल्कि आपको फ्री पिक और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी और वेबसाइट के ऊपर फ्री ऐसे टेम्पलेट्स मिल सकते हैं जी, खूबसूरत और हाई क्वालिटी के अंदर,
जिनको आप यूज़ कर सकते हैं जी अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए, या फिर इनको सेल कर सकते हैं दोबारा से एडिट करके। अब फॉर एग्जांपल कोई भी थंबनेल आपको यहाँ पे पसंद आ रहा है, आपने प्रो को छोड़ के बाकी जो फ्री वाले हैं उनको आपने यूज़ करना है। यहाँ पे देखें लाइक इस तरह के थंबनेल आपको फाइवर पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ये फ्री है, मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगी। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वाला बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि हमने JPG फॉर्म में करना है या फिर PSD फॉर्म में करना है। फ्री डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये हमारी गैलरी में डाउनलोड होकर आ जाएगा। हम इसको दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं, पिक्चर हर चीज़ एक एक चीज़, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को मैं समझाने बैठी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें जी, फ्री पिक के ऊपर हमें बैकग्राउंड टेम्पलेट भी बहुत ही खूबसूरत किस्म के मिल जाते हैं। कोई भी टेम्पलेट हम इजीली क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इवन के यहाँ पे हमें मजीद सुजेशन में मजीद जिस तरह के हम क्लिक करेंगे उस तरह के हमें शो हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देखें जी आपको नज़र आ रहे हैं टॉप पे 3, ये मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किए हैं। कोई एक जो हमें अच्छा लग रहा है उसको मैं सेलेक्ट करूंगी और ये देखें एक क्लिक के अंदर यहाँ पे ये आके चेंज हो चुका है। फर्दर अगर आपने चेंज करना है तो आप कोई भी फ्री पिक से टेम्पलेट उठाएं, पिक्चर अपने क्लाइंट की दी हुई लगाएं, टेक्स्ट उसका बताया हुआ लगाएं, ठीक है। आप इस टेक्स्ट के जो फॉन्ट हैं हर चीज़ यहाँ पे देखें चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी के बहुत सारे फॉन्ट्स नज़र आ जाते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। इवन के कलर आपको नज़र आ रहे हैं, टेक्स्ट का स्टाइल नज़र आ रहा है यहाँ पे देखें, ठीक है। एक एक चीज़ आप खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखें मैं इसको रखती हूँ तो इस तरह से, ठीक है। डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, बेसिक मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अब इसके बाद जस्ट और जस्ट बात रहती है प्रैक्टिस की जी, काम करने का तरीका। इसके अलावा काम का स्कोप तो आपने देख लिया है, अब मेन बात आती है कि हमने इस काम को करना कहाँ पे है, कहाँ से हमें $10 दो मिनट में मिलेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए इस काम को करने के लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फाइवर है, ठीक है। अगर आप फाइवर पर करना चाहें तो उसका कंप्लीट कोर्स मैंने दिया हुआ है, एंड स्क्रीन पे मैं दे दूंगी। वहां पे हमने पहले नंबर पे अपना अकाउंट बनाना होता है और जैसे लोगों ने बनाया हुआ है गिग बनानी होती है, उसके बाद क्लाइंट हमारे पास आना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे हम ऑनलाइन रहते हैं। इसके अलावा अकाउंट बनाते हुए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जहां पे हम मिस्टेक करते हैं, ना हमारे पास क्लाइंट आता है ना हमें ऑर्डर आते हैं, फिर हम आके एक्सक्यूज़ करते हैं कि हमें कोई यहाँ पे काम नहीं दे रहा, हमें काम नहीं मिल रहा। मैंने फाइवर के कोर्स में एक प्रॉपर वीडियो बना के उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, तो आप उन चीज़ों पे अगर फोकस करेंगे तो श्योरिटी के साथ आपको एक वीक के अंदर यहाँ पे ऑर्डर मिलेगा, जो कि मैंने खुद लिया भी था, आपको दिखाया भी था, वो भी मैंने फाइवर की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ही वो वीडियो डाली थी, आप अभी भी जाके उसको देख सकते हैं। अब सेकंड नंबर पर बात आती है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी ऑडियंस है वो है जी यूट्यूबर्स। हम यूट्यूब के ऊपर आएंगे, वहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं, उनके अबाउट में हम जाके उनकी ईमेल निकाल लें, चाहे इंस्टा का अकाउंट, व्हाट्सएप, कुछ भी हमें मिलता है, वहाँ पे हम टेक्स्ट कर सकते हैं कि हम आपको थोड़े पैसे में क्वालिटी थंबनेल बना के देंगे। एक चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, अगर आप वहाँ पे अपने सैंपल प्रोवाइड नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी छोड़ देंगे, तो कोई भी बंदा आपको ना रिप्लाई करेगा ना ही आप में इंटरेस्ट लेगा। हर काम को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है, जो कि अक्सर हम लगाते नहीं हैं। पाकिस्तानी में दिमाग बड़ा है लेकिन वो टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग करने में सारा खर्च कर देते हैं, और फिर जब काम की बारी आती है तो वहाँ पे हम अक्के थक्के होते हैं। यहाँ पे देखें मुझे एक टॉप के ऊपर आया हुआ है थंबनेल के लिए प्रपोजल। देखें जी मैंने जैसे ही क्लिक किया है, मैंने सबसे पहले जाके इसके सैंपल देखे हैं। सैंपल में आप खुद चेक करें जो चीज़ मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियो पर लगाई है और जो इसने मुझे कॉपी करके सेंड की है उसमें कितना फ़र्क है। सबसे मेन गलती यहाँ पे जो हम फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं वही बच्चों वाला फॉन्ट है। अब जिसने मुझे ये भेजा वो समझ रहा होगा कि मैंने तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, जिस तरह का बहन का थंबनेल है उस तरह का मैंने भेजा, तो मुझे यहाँ पे काम मिलना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम इग्नोर कर देते हैं, जो बंदा काम का हो उसको काम देते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं दे भी रही हूँ। मेरे जो थंबनेल इस वक्त बन रहे हैं वो मेरी टीम ही बना रही है। खुद एक यूट्यूबर के पास स्टार्टिंग में टाइम होता है, उसके बाद इतनी ना एनर्जी होती है ना टाइम होता है कि वो खुद ये सारी चीज़ें कर सके। एक ही ईमेल लिखें उसको कोई 50 यूट्यूबर के अबाउट में जाके उनकी ईमेल या फिर व्हाट्सएप, इंस्टा कुछ भी मिलता है, उसके ऊपर 3-4 दफ़ा सेंड करते रहें कोई एक एक दिन के वक्फे के बाद, ठीक है। उसके बाद जब कोई भी बंदा आपके साथ कॉन्टैक्ट करता है उसके साथ कोई डील ऐसी करें कि रेट कम हो, काम क्वालिटी वाला हो, टाइम पर काम दें, तो ऑब्वियसली आपको परमानेंट काम मिल सकता है। सबसे बड़ा पोटेंशियल यूट्यूब के ऊपर है। उसके अलावा आप फेसबुक ग्रुप्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको फ्रीलांसिंग ग्रुप मिल जाते हैं, वहाँ से आपको ऑर्डर मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इंस्टा के ऊपर लोग मिल जाते हैं, वही टिकटॉक जिसके ऊपर आप स्क्रॉलिंग करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने थंबनेल बना के उनको वहाँ पे अपलोड करते हैं और साथ साथ दिखाते हैं कि हम बना रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ से भी आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके अलावा अपवर्क है, ग्यूरू है, पीपल पर और है, फाइबर के अलावा ट्रू लांसर है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपको सेम यही सर्विस दे रहे हैं। के वर्क ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फाइबर के बिल्कुल बराबर बराबर जा रहा है,
लेकिन उसके ऊपर कंपटीशन कम है। ऑब्वियसली वहां पे ऑर्डर्स भी कम है। ये सारी चीजें मैंने आपको अभी जुबानी बताई हैं, प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाई हैं जी अपनी इस वाली वीडियो में, जिसको 17 लाख लोगों ने तकरीबन देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारे लोगों ने सेटिस्फाइड रिव्यूज भी दिए हैं। जिन्होंने मेहनत करनी है उनके पास कोई बहाना नहीं है, उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, ना उनको लंबी वीडियोज तंग करती हैं, ना उनके लिए ऐसा है कि उनको काम नहीं मिलता, ना ही उनको अपनी काबिलियत पे कोई शक होता है। वो मेहनत करते हैं, सब्र करते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हैं और अर्न करते हैं खुद भी और दूसरों को भी कमाता हुआ देख के खुश होते हैं। तो ये है जी आज की वीडियो जो कि मैंने दिल से शेयर की है। तो बाकी मिलते थे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, एक्सक्यूजेस को ख़त्म करके हाथ पाँव भाई हिलाएं, ये सिर्फ तब तक ही चलने हैं जब तक जवानी है। बूढ़े होके रेस्ट ही करनी है, कब्र में जाना है रेस्ट ही करनी है। तो जवानी है, अपनी जवानी का जो शबाब है ना उसका सही यूज़ करें, बजाय कि गलत एक्टिविटीज़ में जाएं, अपने पेरेंट्स का सहारा बने। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।